जी दोस्तों, तो ये है हमारा इस महीने का बेस्ट फोन अंडर सर्टेन बजट सीरीज का आखिरी वीडियो। एंड आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पांच स्मार्टफोन्स जो आपको मिलते हैं 8000 रुपए के प्राइस पॉइंट के आसपास। तो अगर आपका भी बजट है 8000 रुपए के आसपास, दिसंबर 2021 के महीने में आप अच्छा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखना बिना स्किप किए। डेफिनेटली आप डिसाइड कर पाओगे कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए क्या सही रहने वाला है, क्योंकि ये चीज आपको पता है भाई, हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर व्यक्ति के लिए अलग स्मार्टफोन बना होता है। पांच स्मार्टफोन बताऊं, स्मार्टफोन अच्छे स्मार्टफोन है, डिपेंड करेगा आपकी जरूरतों के ऊपर कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए कौन सा फोन सही रहता है। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं और लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई बातचीत को और अपनी परंपरा को फॉलो करते हुए सबसे पहले बात करते हैं नॉन चाइनीज फोन के बारे में। एंड यहां पर मैंने एक बार फिर से पिक किया है माइक्रोमैक्स इन वन बी को। ये जो स्मार्टफोन है थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन ऑप्शन और कोई अवेलेबल यहां पर नहीं है आपके पास। यहां पर मिलता है आपको प्लास्टिक बिल्ड, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है। 6.5 इंच का डिस्प्ले है, HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में IPS LCD पैनल दिया गया है, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में, 60Hz का रिफ्रेश रेट है, 120Hz का टच सैम्पलिंग रेट आपको मिलता है, डिस्प्ले क्वालिटी डिसेंट यहां पर आपको मिलती है। परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक हीलियो G35 का चिपसेट दिया गया है, जो कि डे टू डे की परफॉर्मेंस डिसेंट आपको देता है, गेमिंग भी आपको डिसेंट करा देता है, तो परफॉर्मेंस में आपको ज्यादा शिकायत नहीं आने वाली है। कैमरास की अगर बात करें तो 13+2 मेगापिक्सल्स के दो कैमरास पीछे की तरफ दिए गए हैं। एंड फ्रंट में अगर बात की जाए तो यहां पर आपको 8 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा दिया गया है। कैमरा मॉड्यूल एंड कैमरा आउटपुट दोनों यहां पर आपको डिसेंट मिलते हैं, कैमरा में ज्यादा शिकायत आपको नहीं आएगी। इसके बाद में बैटरी की अगर बात करें तो 5000mAh की बैटरी दी गई है, 10W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, 10W का चार्जर बॉक्स के अंदर दिया गया है, चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है, 3.5mm जैक दिया गया है, एंड उसी के साथ में रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी यहां पर आपको मिलता है। एंड 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट यहां पर आपको मिलता है 7999 में, 7999 रुपए में। तो नॉन चाइनीज फोन अगर आपको लेना है 8000 के आसपास अगर आपका बजट है, तो माइक्रोमैक्स इन वन बी की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। आगे चलते भाई, बात करते हैं उन लोगों की जिनको बड़ी बैटरी वाला फोन लेना है, जिनका ट्रैवलिंग वगैरह का थोड़ा सा ज्यादा काम होता है, उनको बड़ी बैटरी लगती है भाई। तो यहां पर आप जा सकते हैं इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाले इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले की तरफ। हॉट 10 प्ले जो है ऑब्वियसली प्लास्टिक बिल्ड पर आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है, 6.82 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले है, HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में IPS LCD पैनल दिया गया है, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में आता है, 60Hz का रिफ्रेश रेट है, डिस्प्ले क्वालिटी सही है, बड़ा डिस्प्ले यहां पर आपको दिया गया है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो मीडियाटेक हीलियो G35 चिपसेट यहां पर आपको मिलता है, जो कि बढ़िया चिपसेट है, डे टू डे की परफॉर्मेंस भी सही देता है, गेमिंग भी आपको डिसेंट करा देता है, तो परफॉर्मेंस में आपको शिकायत नहीं आने वाली है। कैमरास की अगर बात करें तो दो कैमरास के सेटअप पीछे की तरफ है, 13+ VGA कैमरा पीछे की तरफ दिया गया है, एंड फ्रंट में यहां पर आपको 8 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा मिलता है, सो यस कैमरा मॉड्यूल भी यहां पर आपको डिसेंट मिल जाता है। बैटरी की अगर बात करें तो 6000mAh का बैटरा इस फोन के अंदर लगाया गया है, 10W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, 10W का चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है, चार्ज करने के लिए माइक्रो USB वाला पोर्ट यहां पर आपको दिया गया है, उसी के साथ में 3.5mm जैक मिल जाता है, एंड रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, एंड 3GB प्लस 32GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 7999 में, 8000 रुपए के आसपास। तो बड़ी बैटरी वाला फोन अगर आपको लेना है तो इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। इसके बाद में आगे चलते हैं, बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनको सॉलिड बिल्ड क्वालिटी वाला फोन चाहिए भाई, जिनके हाथ से फोन बार बार गिर गुरा जाता है भाई, तो वो लोग जा सकते हैं लावा की तरफ से आने वाले लावा Z2 की तरफ। ये जो स्मार्टफोन है मिलिट्री ग्रेड बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है, प्लास्टिक बिल्ड यहां पर दिया गया है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है, बिल्ड क्वालिटी सॉलिड यहां पर आपको मिलती है, 6.5 इंचेस का डिस्प्ले है, फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन नहीं मिलता है, HD प्लस रेजोल्यूशन यहां पर आपको दिया गया है, IPS LCD पैनल मिलता है, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में, 60Hz का रिफ्रेश रेट है, डिस्प्ले क्वालिटी डिसेंट यहां पर आपको मिल जाती है। परफॉर्मेंस के लिए यहां पर भी मीडियाटेक हीलियो G35 चिपसेट दिया गया है, जो कि डे टू डे की परफॉर्मेंस डिसेंट देता है, गेमिंग भी आपको अच्छी करा देता है, तो परफॉर्मेंस में शिकायत नहीं है। कैमरास की अगर बात करें तो 13+2 मेगापिक्सल्स के दो कैमरास पीछे की तरफ दिए गए हैं, एंड 8 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा आपको मिल जाता है, तो कैमरा मॉड्यूल भी डिसेंट यहां पर आपको मिल जाता है, कैमरा आउटपुट भी यहां पर आपको डिसेंट मिल जाते हैं। बैटरी की अगर बात करें तो 5000mAh की बैटरी दी गई है, 10W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, 10W का चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है, चार्ज करने के लिए यहां पर आपको माइक्रो USB वाला पोर्ट दिया गया है, 3.5mm जैक दिया गया है, एंड रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी यहां पर आपको मिलता है, एंड 3GB प्लस 32GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 7999। तो अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी वाला फोन अगर आपको लेना है तो लावा Z2 की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो।
अब इसी सेगमेंट में अगर आपको लावा पर अभी उतना ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ है तो भाई आप पोको C3 की तरफ भी देख सकते हैं। पोको C3 जो है वो अच्छा फोन है भाई, प्लास्टिक बिल्ड पर आता है, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ में, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में आपको पांडा ग्लास के प्रोटेक्शन दिया गया है, 6.53 इंचेस का डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलता है, HD+ रेजोल्यूशन के साथ में IPS LCD पैनल दिया गया है, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में 60Hz का डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलता है, डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको डिसेंट मिल जाती है, परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर भी MediaTek Helio G35 चिपसेट दिया गया है जो कि डे टू डे की परफॉर्मेंस डिसेंट देता है, गेमिंग भी आपको अच्छी करा देता है, सो परफॉर्मेंस में शिकायत आपको नहीं आएगी। कैमरास की अगर बात करें तो 3 कैमरास पीछे की तरफ दिए गए हैं, 13+2+2 मेगापिक्सल के 3 कैमरास पीछे की तरफ दिए गए हैं, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको मिलता है, कैमरा मॉड्यूल डिसेंट है, कैमरा आउटपुट भी डिसेंट है, कैमरा में आपको ज्यादा शिकायत नहीं आएगी। बैटरी की अगर बात करें तो 5000mAh की बैटरी दी गई है, 10 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, 10 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर दिया गया है, चार्ज करने के लिए माइक्रो USB वाला पोर्ट मिलता है, 3.5mm जैक मिलता है एंड फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर इस फोन के अंदर नहीं दिया गया है एंड 3GB+32GB वाला वेरियंट आपको मिलता है 7999 रुपीज में। तो अगर आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाला फोन लेना है अच्छे ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ से तो पोको C3 की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। एंड लास्ट में हमेशा की तरह बात करते हैं एक अल्टीमेट ऑलराउंडर फोन के बारे में, यहां पर मैंने पिक किया है थोड़ा सा महंगा फोन है, 500 रुपए आपको ज्यादा देने पड़ेंगे लेकिन वैल्यू फॉर मनी फोन है भाई। फोन का नाम है Micromax N2B। ये वाला जो स्मार्टफोन है लगभग सभी चीजों के साथ में आता है, यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, यहाँ पर डिस्प्ले अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, स्टॉक एंड्रॉइड है, कैमरा अच्छा है, सारी चीजें आपको मिल जाती है। प्लास्टिक बिल्ड पर आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है, 6.5 इंचेस का डिस्प्ले है, HD+ रेजोल्यूशन के साथ में IPS LCD पैनल दिया गया है, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में आता है, 60Hz का रिफ्रेश रेट यहाँ पर आपको मिलता है, डिस्प्ले क्वालिटी बढ़िया यहाँ पर आपको मिल जाती है, परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यूनिसोक टाइगर T610 चिपसेट यहाँ पर दिया गया है जो कि डे टू डे की परफॉर्मेंस तो अच्छी देता ही देता है भाई, गेमिंग भी आपको बहुत अच्छी करा देता है, सो यस परफॉर्मेंस में आपको शिकायत नहीं आने वाली है। कैमरास की अगर बात करें तो 2 कैमरास के सेटअप पीछे की तरफ है, 13+2 मेगापिक्सल के 2 कैमरास पीछे की तरफ, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, कैमरा मॉड्यूल एंड कैमरा आउटपुट दोनों यहां पर आपको डिसेंट मिलते हैं। इसके बाद में बैटरी की अगर बात करें तो 5000mAh की बैटरी दी गई है, 10 वॉट की चार्जिंग फोन सपोर्ट करता है, 10 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर दिया गया है, चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है, 3.5mm जैक भी दिया गया है एंड रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको मिल जाता है एंड 4GB+64GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 8499 रुपीज में, 8500 के आसपास आपको मिलता है N2B। तो अगर आपको एक अल्टीमेट ऑलराउंडर फोन लेना है, 8000 के आसपास आपका बजट है, Micromax N2B की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। तो भाई ये थे 5 ऐसे स्मार्टफोन जो आपको मिल जाते हैं 8000 रुपए के प्राइस पॉइंट के आसपास या 8000 रुपए के प्राइस पॉइंट के अंदर एंड मैंने मेरी तरफ से आपको 5 स्मार्टफोन बता दिए, 5 स्मार्टफोन सही है। दिसंबर 2021 के महीने में अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या होती है एंड इन 5 में से कौन सा स्मार्टफोन खरीदना पसंद करेंगे या फिर किसी और स्मार्टफोन को खरीदना पसंद करेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।